मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका आई जिसमें कहा गया था कि तमिलनाडु में पेरियार की मूर्तियों के नीचे जो बातें लिखी हुई है वो आपत्तिजनक है और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, इसलिए उन्हें हटाया जाना चाहिए। याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि येरोड वेंकट रामास्वामी पेरियार जो कहते थे उस पर विश्वास रखते थे, इसलिए उनके शब्दों को उनकी मूर्तियों के पेडिस्टर पर लिखवाना गलत नहीं है। पेरियार की मूर्तियों के नीचे लिखा था, ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा वो बेवकूफ है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वो दुष्ट है और जो ईश्वर की पूजा करता है वो बर्बर है। ग्रेट पेरियार नायकर के ईश्वर से सवाल। पहला सवाल, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? दूसरा सवाल, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? तीसरा सवाल, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई दूध घी आदि लेते रहते हो? चौथा सवाल, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं के बलि मांगते हो? पांचवा सवाल, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? छठा सवाल, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? सातवां सवाल, क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते? आठवां सवाल, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी भूखमरी होते हुए भी अरबों रुपयों का अन्न दूध घी तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो? नौवां सवाल, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते? दसवां सवाल, क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते? ग्यारहवां सवाल, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हैं? बारहवां सवाल, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहे? तेरहवां सवाल, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द भी नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? चौदहवां सवाल, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसों का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर देते हैं? पंद्रहवां सवाल, क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते हैं? 5 मिनट का समय निकालकर जरूर पढ़ो भगवान के कारनामे। नास्तिक होना कोई आसान नहीं, कोई भी नासमझ इंसान ईश्वर के अस्तित्व को मानकर फ्री हो जाता है, उसके लिए उसे बुद्धि की जरूरत नहीं होती, लेकिन नास्तिक होने के लिए दृढ़ विश्वास और साहस की जरूरत होती है। ऐसी योग्यता उन लोगों के पास होती है जिनके पास प्रखर तर्क बुद्धि होती है। अंधश्रद्धा ऐसा केमिकल है जो इंसान को मूर्ख बनाने में काम आता है। पेरियार ईवी रामास्वामी। आप देख सकते हैं हिंदू धर्म का विचित्र इतिहास। पेरियार लिखते हैं, मंदोदरी मेंढकी से पैदा हुई थी, श्रृंगी ऋषि हिरनी से पैदा हुए थे, सीता मटकी से पैदा हुई थी, गणेश अपनी मां के मैल से पैदा हुए थे, हनुमान के पिता पवन कान से पैदा हुए थे, हनुमान का पुत्र मकरध्वज था जो मछली के मुख से पैदा हुआ था, मनु सूर्य के पुत्र थे, उनको छींक आने पर एक लड़का नाक से पैदा हुआ था, राजा दशरथ की 3 रानियों के 4 पुत्र जो फलों की खीर खाने से पैदा हुए थे, सूर्य कर्ण का पिता था। भला सूर्य संतान कैसे पैदा कर सकता है, वो तो आग का गोला है। ब्रह्मा ने तो 4 वर्ण यहां वहां से निकाले, हद है। अछूत का बनाया हुआ चमड़े का ढोल मंदिर में बजाने से मंदिर अपवित्र नहीं होता, अछूत मंदिर में चला जाए तो मंदिर अपवित्र हो जाता है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि ढोल किस जानवर की चमड़ी से बना है, उनके लिए मरे हुए जानवर की चमड़ी पवित्र है पर जिंदा अछूत अपवित्र। लानत है ऐसे धर्म पर। बुद्धिजीवी प्रकाश डालें, दिमाग की बत्ती जलाओ, अंधविश्वास भगाओ। यदि पूजा पाठ करने से ही बुद्धि और शिक्षा आती तो पंडों की औलादें ही विश्व में वैज्ञानिक डॉक्टर इंजीनियर होते हैं। वहम से बचो, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाओ क्योंकि शिक्षा से ही वैज्ञानिक डॉक्टर इंजीनियर और शासक बनते हैं, पूजा पाठ से नहीं। अतः वहम का कोई इलाज नहीं है और शिक्षा का कोई जवाब नहीं है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।